आपने देखा होगा गंगा में बहुत लोगों ने स्नान किया, मगर ऐसा लगता है कि इतिहास में सिर्फ एक व्यक्ति ने गंगा में स्नान किया है, वो नरेंद्र मोदी, और किसी ने नहीं किया। बस एक व्यक्ति, और कोई गंगा में स्नान नहीं करता। वहाँ पे भैया योगी जी को परमिशन नहीं दी। बाकी को छोड़ो, राजनाथ सिंह जी, योगी ना, आप लोग परे हो जाओ, इस साइड खड़े हो जाओ। नरेंद्र मोदी जी स्वयं एक ही हिंदुस्तानी है जो गंगा में स्नान कर सकता है। हम आपकी कुर्बानी पहचानते हैं, समझते हैं, जो आपने सहा है हमने सहा है। मैंने आपको बताया, मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता हूँ जब मुझे स्कूल में बताया गया कि इंदिरा गांधी जी को 32 गोलियां लगी हैं, मैं भूल नहीं सकता। और वैसे ही उत्तराखंड में हजारों परिवार हैं जिनके घर में फोन आया, पापा शहीद हो गए, चाचा शहीद हो गए, रिश्ता आपके बीच में, मेरे बीच में, इसलिए मैं खुल के बोल सकता हूँ आपके साथ। आज फंक्शन हुआ है, बांग्लादेश लड़ाई का फंक्शन हुआ है दिल्ली में, उसमें इंदिरा गांधी का नाम तक नहीं है। आज देश को बांटा जा रहा है, देश को कमजोर किया जा रहा है, कमजोर किया जा रहा है। एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाया जा रहा है, एक भाई दूसरे भाई को डरा रहा है, कमजोर लोगों को मारा जा रहा है। और पूरी की पूरी सरकार दो तीन लोगों के लिए, दो तीन पूंजीपतियों के लिए चलाई जा रही है। जो कुर्बानी उत्तराखंड के हजारों हजारों परिवारों ने दी है, वही कुर्बानी मेरे परिवार ने दी है। कुर्बानी का रिश्ता है मेरा और आपका। मुझे वो दिन याद आया October 31 जब मेरी दादी इस देश के लिए शहीद हुई, और मुझे फिर 21 मई याद आया जिस दिन मेरे पिता इस देश के लिए शहीद हुए। कुर्बानी का रिश्ता है मेरा और आपका। जो कुर्बानी उत्तराखंड के हजारों हजारों परिवारों ने दी है, वही कुर्बानी मेरे परिवार ने दी है। और जो यहां लोग खड़े हैं जिन्होंने अपना खून खोया है, अपना खून दिया है, वो इस रिश्ते को बहुत अच्छी तरह समझेंगे। मगर और जो सेना में है, एयरफोर्स में, नेवी में, उन परिवारों को ये बात बहुत गहराई से समझ आएगी। पिता को खोना, भाई को खोना, आप लोग जानते हो, समझते हो। मगर जिस परिवार ने ऐसी कुर्बानी नहीं दी, जिस व्यक्ति ने ऐसी कुर्बानी नहीं दी, उनको यह बात समझ कभी नहीं आ सकती। ये आपने देश को दिया है। आपने, आप कहते हो, कभी कभी मैं यहां आता हूं, आप कहते हो कि हमारे लोग बॉर्डर पे खड़े होते हैं, हमारे लोग सेना में, एयरफोर्स में, नेवी में। आपको दूसरे तरीके से बोलना चाहिए। आपको यह बोलना चाहिए कि उत्तराखंड ने हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा अपना खून दिया है और देता रहेगा। बांग्लादेश की लड़ाई हुई,
13 दिन में पाकिस्तान ने अपना सिर झुका दिया। आमतौर से युद्ध 6 महीने, 1 साल, 2-3 साल चलता है। अमेरिका ने अफगानिस्तान को हराने के लिए 20 साल लगा दिए। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को 13 दिन में हरा दिया। मगर हमें भूलना नहीं चाहिए, और जो बांग्लादेश में 1971 में हुआ उसे गहराई से समझना चाहिए। हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं। एक तरफ हिंदुस्तान एक होके एक आवाज के साथ सब मिलकर खड़ा हुआ। कोई कहता है सेना ने लड़ाई जितवाई, कोई कहता है पॉलिटिकल लीडरशिप ने लड़ाई जितवाई, कोई कहता है नेवी ने लड़ाई जितवाई, कोई कहता है एयरफोर्स ने लड़ाई जितवाई। नहीं, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति ने, हर जात ने, हर धर्म ने एक साथ मिलकर पाकिस्तान को हराया। लाखों परिवारों ने अपने घर से सोना हिंदुस्तान की सरकार को दिया। बिना बहाने, बिना एक शब्द, बिना मांगे लाखों लोगों ने अपना सोना, घर का सोना सरकार को दे दिया। और यहां स्टेज पे हमारी लीडरशिप बैठी है। जो सेना और बॉर्डर पे जाके लड़े, इन्होंने भी ऐतिहासिक काम किया। मगर भाइयों और बहनों, भूलिए मत, अगर हिंदुस्तान बटा होता, अगर हिंदुस्तान के लोग एक दूसरे से लड़ रहे होते, तो 13 दिन में जीत नहीं हो सकती थी। दूसरी बात, 13 दिन में जीत क्यों हुई, क्योंकि भाई और बहनों, पाकिस्तान बटा हुआ था, पाकिस्तान के अंदर लड़ाई थी। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के अंदर लड़ाई थी, पाकिस्तान कमजोर था। यह सबसे जरूरी लेसन है। जब हिंदुस्तान एक होकर खड़ा होता है, एक आवाज से बोलता है, तो अमेरिका की 7th फ्लीट घूमकर वापस चली जाती है। कोई खड़ा नहीं हो सकता इस देश के सामने। अगर यह देश एक साथ मिलकर एक आवाज के साथ बोलता है, कोई शक्ति नहीं है दुनिया में। भाइयों और बहनों, दुख की बात क्या है, आज देश को बांटा जा रहा है, देश को कमजोर किया जा रहा है, कमजोर किया जा रहा है। एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाया जा रहा है, एक भाई दूसरे भाई को डरा रहा है, कमजोर लोगों को मारा जा रहा है, और पूरी की पूरी सरकार 2-3 लोगों के लिए, 2-3 पूंजीपतियों के लिए चलाई जा रही है। हम आपकी कुर्बानी पहचानते हैं, समझते हैं, जो आपने सहा है हमने सहा है। मैंने आपको बताया
मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता हूं जब मुझे स्कूल में बताया गया कि इंदिरा गांधी जी को 32 गोलियां लगी हैं, मैं भूल नहीं सकता। और वैसे ही उत्तराखंड में हजारों परिवार हैं जिनके घर में फोन आया, पापा शहीद हो गए, चाचा शहीद हो गए, रिश्ता है आपके बीच में, मेरे बीच में, इसलिए मैं खुल के बोल सकता हूं आपके साथ। और आप बोल रहे हो, देखो देखो मैं आपको बताता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मगर देखिए देखिए देखिए, आपने इंदिरा जी का नाम लिया, आज फंक्शन हुआ है, आज फंक्शन हुआ है, बांग्लादेश लड़ाई का फंक्शन हुआ है दिल्ली में, उसमें इंदिरा गांधी का नाम तक नहीं है। जिस महिला ने 32 गोली खाई, इस देश के लिए 32 गोली खाई, उनका नाम तक नहीं है, इनविटेशन में नाम तक नहीं है। क्योंकि सच्चाई से भाई और बहनों, सरकार डरती है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता नाम हो या ना हो, मैं जानता हूं इंदिरा गांधी जी ने इस देश को अपना खून देकर क्या किया, मैं जानता हूं, मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं। चुनाव है, चुनाव है, मैं आपको दो तीन चीजें कहना चाहता हूं, दो तीन चीजें कहना चाहता हूं आपके सामने। सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। आपके लोग यहां से प्लान करते हैं, बाकी प्रदेशों में जाते हैं, और आपकी दूसरी मुश्किल, दूसरी कठिनाई, महंगाई। महंगाई के बारे में दो चीजें कहना चाहता हूं, महंगाई क्यों है। देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल तेल के दाम नीचे गिरते जा रहे हैं, हिंदुस्तान में, दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स पेट्रोल पे हिंदुस्तान में है। 10 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने आपसे छीनकर, आपसे छीनकर हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों का कर्जा माफ किया है। रोज आप याद रखिए, आज जब आप जाएंगे स्कूटर में, गाड़ी में पेट्रोल भरेंगे, तो आप याद रखना जो आपके जेब में से पैसा निकल रहा है वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों के जेब में सीधा जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि वो दो तीन अरबपति नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग करते हैं। आपके जेब में से पैसा निकलता है पेट्रोल पंप में, सीधा वो पेट्रोल पंप से इनके जेब में जाता है, और ये नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग नरेंद्र मोदी जी के लिए करते हैं। आपने देखा होगा, आपने देखा होगा, गंगा में बहुत लोगों ने स्नान किया, मगर ऐसा लगता है कि इतिहास में सिर्फ एक व्यक्ति ने गंगा में स्नान किया है, वो नरेंद्र मोदी, और किसी ने नहीं किया। बस एक व्यक्ति, और कोई गंगा में स्नान नहीं करता। वहां पे भैया योगी जी को परमिशन नहीं दी,
बाकी को छोड़ो, राजनाथ सिंह जी, योगी ना, आप लोग परे हो जाओ, इस साइड खड़े हो जाओ। नरेंद्र मोदी जी स्वयं एक ही हिंदुस्तानी है जो गंगा में स्नान कर सकता है। चलिए, रोजगार उत्तराखंड में जब आएगा, जब छोटे और मिडिल साइज बिजनेस वालों की मदद होगी, रोजगार जब आएगा, जब किसानों की रक्षा होगी और किसानों को नई टेक्नोलॉजी का फायदा दिलवाया दिया जाएगा, दो तीन पूंजीपति को पूरा का पूरा धन देने से उत्तराखंड आगे नहीं जा सकता। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि जब यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, किसानों की रक्षा होगी, उनकी पूरी मदद होगी, कानून बनाए जाएंगे तो उनके लिए बनाए जाएंगे, दो तीन पूंजीपति के लिए नहीं बनाए जाएंगे। और जो हमारे युवा हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वाले हैं, जो दुकानदार हैं, उनको सरकार पूरी सहायता देगी और एक बार फिर आपके इस प्रदेश में रोजगार पैदा होना शुरू होगा। आप सब आए, दूर दूर से आए, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, जय जवान, जय जवान। मैं राहुल जी का उनके संबोधन के लिए बहुत ही सब यहां पर उपस्थित। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।